नवी मुंबई के कलमबोली पुलिस स्टेशन को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर डीसीपी परिमंडल और एसीपी किरण पाटिल के मार्गदर्शन से कलमबोली पुलिस स्टेशन के स्टाफ ने जाल बिछा के अवैध तरीके से देसी कट्टे रखने वाले गिरोह को हिरासत में लिया है। पुलिस ने इसके पास से 5 देसी कट्टे भी बरामद किए हैं, जिसकी कीमत 1,25,000 बताई जा रही है। कलमबोली पुलिस इस केस की छानबीन में जुटी है। राजू झिंकन लाल श्रीवास्तव, जो कि मूलतः आजमगढ़ यूपी का रहने वाला है और अभी एपीएमसी मार्केट में रह रहा है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल करके, इन्फॉर्मेशन को डेवलप करके इन्होंने और इनकी टीम ने डीसीपी जोन 2 श्री पांडे और एसीपी पनवेल श्री किरण पाटिल, इनके मार्गदर्शन में इन्होंने इस इन्फॉर्मेशन को डेवलप करके इन्होंने ये 5 गांवठी कट्टे 1,25,000 कीमत के इसके पास से हस्तगत किया है। अभी आगे का तपास, ये कहां से इन्होंने ये हथियार लाए, क्या करने वाले थे, इसका आगे का तपास अभी चालू है। कैमरामैन राजेश के साथ शमा खान, द टाइम्स 24/7 न्यूज़, मुंबई।